नमस्कार दोस्तों, सभी का एक और नए व्लॉग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फिलहाल मैं श्रीलंका के गाले सिटी के अंदर, और ये जो सिटी है ये श्रीलंका के मतलब दक्षिण साइड के अंदर है, नीचे की तरफ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई, जो संजीवनी पर्वत है, जिसको हम मेडिकल पर्वत बोलते हैं, यहाँ पर मेडिकल माउंटेन बोलते हैं श्रीलंका के अंदर। और वो है गाले सिटी से करीबन 3 किलोमीटर दूर, उमासुसला हिल के नाम से उसको जाना जाता है। तो भाई वहाँ पे जाने वाला हूँ, तो भी वीडियो को पूरा देखना आप, ठीक है ना। देखते हैं वहाँ पर क्या क्या अपने को देखने को मिलता है, और साथ में क्या क्या जो जड़ी बूटी है वो वहाँ पर अपने को जो देखने को मिलेगी। अभी इससे पूछा बंदे से तो बोल रहा है 800 रुपये लूँगा। पहले वाले से पूछा ना, उसने तो मना ही कर दिया, बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी एक और से पूछा मैंने, तो उसने बोला भी 800 रुपये लूँगा। तो लास्ट फाइनल उसको हमने 500 रुपये में किया है। 500 रुपये में अपने को वो लेके जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है यार, बहुत पैसा लेते हैं। ये देखो ये आ रहा है ऑटो वाला, ये है ये वाला। तो बैठते हैं अंदर इसके और चलते हैं फटाफट से। तो भाई क्या रास्ते में क्या है, काफी ऊंचा पहाड़ आता है, ठीक है। और इसके ऊपर है ना, जो ऑटो है ना वो झटके लेके चढ़ रहा है। ये देखो किस प्रकार झटके मार रहा है ऑटो, देखो एक नंबर गियर दे रखा है ऑटो वाले भाई साहब ने इसके, फिर भी मतलब ये ऐसा लग रहा है कि दम तोड़ेगा। देखो मेरे पीछे की तरफ जो आपको मतलब जंगल दिखाई दे रहा है, जो मतलब पहाड़ है वो दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, जो पर्वत है। इसी पर्वत के बारे में कहा जाता है कि संजीवनी पर्वत को जब हनुमान जी महाराज है वो मतलब अपने हाथ के ऊपर उठाकर लेकर आ रहे थे, तो उस टाइम में बताते हैं कि एक जो टुकड़ा है ना संजीवनी पर्वत का, वो इस जगह गिर गया था, ठीक है ना। जो पहाड़ का एक टुकड़ा इस जगह गिर गया, तो वही पहाड़ का गिरा हुआ टुकड़ा वो ये यहाँ पर है। और इसी के बारे में कहा जाता है कि ये है मतलब मेडिकल माउंटेन, ठीक है ना। जो संजीवनी और जो जड़ी बूटियाँ हैं वो इसी पहाड़ के ऊपर है वो पाई जाती है। तो ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर को जाना जाता है श्री विवेकाय रामायण के नाम से। और अभी इस मंदिर के अंदर एक भाई है वो हमें मिल गया है। तो हेलो, नमस्कार भैया, योर नेम? संजीवन। ओके ओके, तो भाई है वो अपने को सब कुछ है इसके बारे में बताएगा, यहाँ की क्या हिस्ट्री है। दिस पैलेस हिस्ट्री एक्सप्लेन यू। माय क्वीन एंड गाइड। ओके 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 ओके, मैं पूछ तो ये रहा। ओके ओके, तो मतलब भाई ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो बुद्ध है भगवान वो मतलब सोए हुए है, ठीक है, इस साइड के अंदर बैठे हुए है और इस साइड के अंदर मतलब खड़े है, ठीक है। ओके ओके ब्रो, अभी आगे चलते हैं भाई, धीरे धीरे वो ब्रो मतलब आगे लेके जा रहा है और अपने को जो यहाँ की जो मतलब जो मूर्तियाँ वगैरह है उनके बारे में सब के बारे में बताएगा। बुद्धा मेडिटेशन। ओके ओके, दिस फोटो बिल्डिंग स्तूप डोनेशन ओके ओके, ये भाई बुद्धा की फोटो है, लेकिन इस बुद्धा की फोटो को प्रतिमा है मतलब सॉरी बुद्धा की मतलब ये प्रतिमा है, ठीक है। उसको मतलब बनवाने के लिए, इस मंदिर को बनवाने के लिए ये जो महिला है इसने मतलब जो पैसा है वो डोनेट किया था, ठीक है, तो इसलिए इसकी फोटो लगी है। ओके ओके ब्रो, हिंदू गॉड। ओके 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 ब्रो, बुद्धा माता एंड फादर, ये भगवान बुद्ध है ना उसकी माता एंड फादर है। दिस नेम किंग सुद्धोधन क्वीन महामाया। दिस किंग सुद्धोधन सुद्धोधना ओके क्वीन महामाया ओके ओके, थोड़े नाम है वो डिफिकल्ट है। हनुमान ओके 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 ओके, तो भाई यहाँ पर माता सीता की गुफा भी है, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं भी। ये है भाई माता सीता की गुफा। दिस पैलेस ब्रो, क्वीन सीता इंडियन क्वीन श्रीलंका किंग किपनर। ओके 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 ओके, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रावण ने है ना माता सीता को है ना किडनैप किया था, ठीक है, तो ये भाई था ना इसने ही बता दिया था, ठीक है ना, लेकिन इंडियन क्वीन, ठीक है। तो ये है अभी माता सीता की गुफा, अभी चलते हैं बाहर। ओके ब्रो,
रियल किंग रावण फोटो। ओके स्टेचू। तो भाई ये है रावण की असली मूर्ति, देखिए इस प्रकार की है। और यहाँ पर बिल्कुल लिख रखा है, ये देखिए किंग रावणा, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में है ना इसको रावण को है ना भगवान मानते हैं, अपने तो इंडिया के अंदर श्री राम को भगवान मानते हैं। ओके ब्रो, दिस आई डोंट स्पीक थ्री फादर, आई डोंट स्पीक एरिया गॉड, एरिया गॉड। ओके नेम सुमन समान, सुमन समान। ओके और दिस न्यू बुद्धा, मैत्री बुद्धा, न्यू बुद्धा। ओके नेम मैत्री। तो भी जो सामने वाले जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है ये है न्यू बुद्धा, और इसके बारे में बता रहे हैं कि ये मैत्री इसका कुछ नाम है ऐसे, ठीक है। और अभी चलते हैं इस साइड के अंदर। काली माता। ओके। तो भाई ये है कालिका माता की प्रतिमा, और यहाँ के लोग भी कालिका माता को है वो मानते हैं। श्रीलंकन गॉड सुनियन, गॉड सुनियन नेम। ओके। तो भाई यहाँ पर जितने भी इस मंदिर के अंदर ना सभी देव देवताओं की जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो सभी के बारे में भाई है वो नाम बताएगा और उनके बारे में थोड़ा बहुत बताएगा। ओके कार्तिक एंड भगवान विष्णु, गॉड विष्णु। ओके मैं बाहर आ चुका हूँ अभी, और मंदिर के अंदर है ना, इस मंदिर के अंदर मैंने मतलब रावण की जो रियल जो फोटो थी, जो प्रतिमा थी, ठीक है, जो मूर्ति थी वो मैंने देखी, और माता सीता की गुफा भी देखी, हनुमान जी की प्रतिमा भी देखी। तो अभी ये जो माउंटेन जो हिल है, जो मेडिकल माउंटेन है, तो इसके अंदर घूमेंगे थोड़ा। जा रहा हूँ, रास्ता भी बना हुआ है इस साइड के अंदर, और यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं वो है, ये पता नहीं यार कौन सा पेड़ पौधा है। इनके जो पेड़ पौधे हैं ना, इनका ये नाम के बारे में मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। यहाँ पर ये देखो काफ़ी बड़ा पत्ता है, और ये देखो ये भी बेल है यहाँ पर कुछ इस प्रकार की। अभी साइड के अंदर देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो जैसे हम हिमालय के अंदर घूमते हैं ना उसी प्रकार यहाँ पर भी मतलब उसी प्रकार की जड़ी बूटियाँ वो देखने को मिल रही है। ये देखो ये सफ़ेद फूल है इसके लगे हुए। अभी ये देखो ये इस साइड में केला भी, अभी केला है, ठीक है ना। ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है, ठीक है ना। और नारियल का पेड़ भी है यहाँ पर इस साइड में, ये देखो खजूर भी है, ये देखो। और इतना ज़्यादा है वो, मैं जंगल के अंदर है वो नहीं जाऊँगा। ये पता नहीं यार कौन सा पेड़ है, ये देखो इसके ये लगे हुए हैं, देखो ये देखो मनीष भाई, अरे ये कौन सा पेड़ है, इसके ये बड़े बड़े लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं इसको, कटेल है, जैक फ्रूट कटेल। अच्छा जैक फ्रूट कटेल बोलते हैं इसको। ये देखो अभी, तो भाई अभी चलते हैं रूम के ऊपर, और फिर यहाँ से अगली ट्रिप है वो स्टार्ट करें। तो भी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेकिन भाई हमने खूब सारी कोशिश की संजीवनी बूटी को ढूंढने की, लेकिन हमको नहीं मिली भाई। अगर किसी भाई को मिले तो बताना कमेंट करके। ओके।